सबसे पहला क्वेश्चन क्या है न्याय अवधारणा से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर एक क्या है, निम्न में से किस पुस्तक का आधार न्याय को माना जाता है? कौन सी पुस्तक है भाई जिसका आधार न्याय को माना जाता है? कौन सी पुस्तक का आधार न्याय को माना जाता है? कौन सी पुस्तक का आधार न्याय को माना जाता है? तो बच्चों के आंसर आने शुरू हो चुके हैं, जो रिपब्लिक पुस्तक है, रिपब्लिक पुस्तक को न्याय का आधार माना जाता है। जैसे हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे ना कि स्वतंत्रताएं कौन सी होती हैं, राजनीतिक, आर्थिक, राष्ट्रीय, वैसे न्याय के भी कई प्रकार हैं, चाहे वह सामाजिक न्याय हो, चाहे वह आर्थिक न्याय हो, न्याय का पहला सिद्धांत, न्याय का दूसरा सिद्धांत जॉन रोल्स का। तो ये चीजें हम डिस्कस आज की क्लास में करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, किस पुस्तक को न्याय का आधार माना जाता है? तो आपका आंसर होगा रिपब्लिक पुस्तक को न्याय का आधार माना जाता है। सुधीर, आरती, पूजा, सक्सेना, अनुज कुमार, सावित्री, रेखा, मिलन, बाबू महारिया, अजीत कुमार सिंह, सबका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, निर्धारित कार्य पूरा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मन में न्याय का निवास होता है। निर्धारित कार्य पूरा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मन में न्याय का निवास होता है। निर्धारित कार्य पूरा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मन में न्याय का निवास होता है। यह किसका कथन है, रूसो, सुकरात, प्लेटो या फिर गांधी जी? निर्धारित कार्य पूरा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मन में न्याय का निवास होता है, यह स्टेटमेंट किसका है? तो आपका आंसर आएगा सी, आंसर आएगा प्लेटो। प्लेटो आपका आंसर इसमें आ जाएगा। निर्धारित कार्य पूरा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मन में न्याय का निवास होता है, यह प्लेटो का कहना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, किसने न्याय को शक्तिशाली का हित कहा है? शक्तिशाली का हित किसने कहा है न्याय को, यानी न्याय को शक्तिशाली का हित किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर तीन पे पहुंच जाइए सारे। क्वेश्चन नंबर तीन का आंसर आप लोग देंगे, किसने न्याय को शक्तिशाली का हित कहा है? किसने न्याय को शक्तिशाली का हित कहा है? प्लेटो, थेस्रीमेकस, पॉलीबियस या ग्लाकन? रेखा रानी, बाबू महरिया, दोनों के आंसर आने शुरू हो चुके हैं। बाकी अनुज कुमार का भी आ चुका है, अजीत कुमार सिंह का भी आंसर है, ज्योति शर्मा, राहुल चौहान, जया रंजन, आरती राठौड़, क्या बात है, आज सारे बच्चे आंसर ठीक दे रहे हैं। मिलन यादव वेरी गुड, सावित्री पाल अपना भी अच्छा आंसर, सभी बच्चों का ठीक आंसर आ रहा है। तो आंसर होगा आपका बी, थेस्रीमेकस। थेस्रीमेकस ने न्याय को शक्तिशाली का हित कहा है, यह भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, फोर्थ क्वेश्चन, न्याय की अवधारणा का प्रधान उद्देश्य क्या है? न्याय की जो अवधारणा है, न्याय का जो कंसेप्ट है, उसका प्रधान उद्देश्य क्या है, प्रमुख उद्देश्य क्या है, मेन टारगेट उसका क्या है, लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? आर्थिक हित, व्यक्तिगत हित, सर्व कल्याण या व्यक्ति का संपूर्ण विकास? इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्या आंसर हो सकता है। न्याय की अवधारणा का प्रधान उद्देश्य बताएं, न्याय की अवधारणा का प्रधान उद्देश्य बताएं। अब देखिए, आर्थिक हित और व्यक्तिगत हित ये तो हो नहीं सकता, ये दोनों के दोनों तो हो नहीं सकते, तो फिर आंसर क्या होगा, या तो सी रहेगा या फिर आपका आंसर डी रहेगा। अब सोचिए, न्याय की अवधारणा का पहला उद्देश्य क्या होगा? जो बच्चे डी दे रहे हैं ना, ये डी वाले कौन हैं, आरती, मिलन, सुधीर, कृष्ण, अजीत, डी क्यों दे रहे हो आप लोग? व्यक्ति का संपूर्ण विकास का मतलब नहीं है ना, व्यक्तिगत हित भी नहीं होगा, और व्यक्ति का देखो, सुनने में चीजें अच्छी लगती हैं, पढ़ने में चीज अच्छी लगती है, आपको बड़ा अच्छा लगता है, और ये व्यक्ति का संपूर्ण विकास होगा, चहुमुखी विकास होगा, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, धर्म, पता नहीं क्या क्या होगा, बट यहां नहीं सेट होगा ना। यह न्याय की अवधारणा का प्रमुख उद्देश्य क्या होगा, सर्व कल्याण। न्याय की अवधारणा का प्रमुख उद्देश्य क्या होगा, सर्व कल्याण होगा, सर्व कल्याण। आपका आंसर सी आएगा, मैक्सिमम बच्चों का सी था, जिन बच्चों ने डी दिया वो भी अपना सी मान के चलिए। ये क्वेश्चन हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन सेट हो जाने चाहिए,
दोबारा नहीं होनी चाहिए गड़बड़ी है, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन इन्फ्यूजन आता है तो फिर आपका गलत नहीं होना चाहिए, ये मैं मान के चलता हूं। अगर फिर भी आपने गलत किया तो इसका मतलब आपने टेस्ट में कुछ किया ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है पांचवा, बेंथम ने किस प्रकार के न्याय का समर्थन किया है? बेंथम जो था उसने किस प्रकार के न्याय का समर्थन किया है? बेंथम कानूनी न्याय का समर्थन करता है, सामाजिक न्याय का समर्थन करता है, आर्थिक न्याय का समर्थन करता है, या व्यक्तिगत न्याय का समर्थन करता है? बेंथम जो है वो किस प्रकार के न्याय का समर्थन करता है ये आपको बताना है। बेंथम ने किस प्रकार के न्याय का समर्थन किया है? आंसर बताइए फटाफट, बेंथम ने किस प्रकार के न्याय का समर्थन किया है? कानूनी न्याय का, सामाजिक न्याय का, आर्थिक न्याय का, या व्यक्तिगत न्याय का? वेरी गुड। पांचवें क्वेश्चन का आंसर, एक बच्चे ने बी बोल दिया तो सब लोग बी पे चले गए, बी गलत है भाई, बी गलत है, बी इज रोंग आंसर, बी बिल्कुल रोंग है। शाबाश, फटाफट यूटर्न ले जाइए मेरे सहनसाओ, सारे के सारे इतने महान बच्चे हैं ना, अब फटाफट यूटर्न ले जाओ जल्दी, यूटर्न, बी नहीं आना चाहिए किसी का भी। तो क्या होगा, बैंथम ने किस प्रकार के न्याय का समर्थन किया है? आप देखो, आप सी पे पहुंच जाएंगे ना सारे के सारे, सी या डी, सी या डी, आप कुछ सी बोलेंगे कुछ डी बोलेंगे फिर सबका गलत हो जाएगा। आंसर है वे ए, बेंथम ने किस प्रकार के न्याय का समर्थन करा है? बेंथम जो है वो लीगल जस्टिस का समर्थन करता है, बेंथम जो है लीगल जस्टिस का समर्थन करता है, बेंथम कानूनी न्याय की बात करता है। बेंथम ये कहता है कि जो न्याय हो वो लीगल बेस्ड हो, कानूनी आधार उसका हो, और अगर कानूनी आधार किसी न्याय का होगा तो किसी भी व्यक्ति को उसको स्वीकार करने में जरा भी परेशानी नहीं होगी, और सबका न्याय, सबको न्याय, और सबके लिए न्याय तभी होगा जब उसका आधार कानूनी होगा। ये स्टेटमेंट किसके माने गए हैं? ये बेंथम के माने गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, छठा क्वेश्चन, न्याय के सांख्यिक विचार का अनुमोदन किसने किया? न्याय का एक सांख्यिक विचार भी है, और न्याय के सांख्यिक विचार का अनुमोदन किसके द्वारा किया गया है? न्याय के सांख्यिक विचार का समर्थन किसके द्वारा, या अनुमोदन, या उसको प्रस्तावित किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर क्या आएगा, बेंथम आएगा। आंसर क्या आएगा, बेंथम आएगा। न्याय के सांख्यिक विचार का समय अनुमोदन बेंथम ने किया था। अच्छा एक बात और देख लेना यार, अभी मुझे भी अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला है, दिल्ली की, जितने बच्चे लाइव हैं सुन रहे हैं या बाद में लेक्चर देखेंगे, दिल्ली की कोरोना की नई गाइडलाइन आ चुकी हैं, और नई गाइडलाइन में स्कूलों को, कोचिंग सेंटरों को ऑफलाइन जो हैं उन ज़्यादातर को बंद करने का प्लान मुझे लगता है किया गया है, और अब सबके लिए यही ऑप्शन है कि घर बैठिए और तैयारी कीजिए। और मैं कल वाले लेक्चर में बोल रहा था कि धीरे धीरे करके मानसिक लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जो बच्चे अभी तक भी जिनको लगता है कि हमारे पास पढ़ने को कुछ नहीं है, तो फटाफट एक दो दिन के अंदर मार्केट की तरफ भाग लीजिए, जो भी किताबें आपको अच्छी लगे एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए वो आप ले आइए, क्योंकि फिर मुझे लगता है अगर जिस सिचुएशन में हम जा रहे हैं ऐसा ना हो कि कुछ दिन तक हमें घर पर बैठना पड़े और चीज़ें जो हैं वो बंद हो जाएं। और जिन बच्चों के पास हमारे भी नोट्स नहीं आए हैं, वो जिनके ऑन द वे हैं वो सर्च कर लीजिए एक बार, और जिन्होंने ऑर्डर नहीं किए हैं वो फटाफट ऑर्डर करके एक दो दिन के अंदर मंगवा लीजिए, अभी तक तो कोरियर वगैरह सब कुछ ऑन है, ऐसा ना हो कि बाद में पिछली बार की तरह सारी चीज़ें रुक जाएं। ध्यान रखना इस चीज़ का, क्योंकि डेढ़ दो जितना भी टाइम हमें घर पर बैठ के मिलेगा ना उसमें हमें स्टडी पे देना है बस। मैं खुद स्टडी करने वाला हूँ, आप लोगों की प्रिपरेशन ऑनलाइन करवाने वाला हूँ, और आप लोगों को भी अपनी स्टडी रखनी है बस, बाकी चीज़ें बाद में होंगी। क्वेश्चन नंबर सातवां, न्याय के ज्यामितीय विचार का समर्थक कौन है? न्याय का जो ज्यामितीय विचार है उसका समर्थक कौन है? न्याय के ज्यामितीय विचार का समर्थक कौन है? आंसर आएगा प्लेटो। न्याय के ज्यामितीय विचार का समर्थक दोस्तों प्लेटो है। क्वेश्चन नंबर आठवां, किसके द्वारा योग्यता अनुसार काम व आवश्यकता अनुसार वेतन अवधारणा का प्रतिपादन किया? कौन व्यक्ति था जिसने ये कंसेप्ट लागू किया या इसकी शुरुआत करी कि जो काम है वो योग्यता अनुसार हो और जो वेतन है
वो आवश्यकता अनुसार हो, यानी योग्यता अनुसार काम और आवश्यकता अनुसार वेतन। ये अवधारणा, इस अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था, आप सोच सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो। वेरी गुड, विदिशा पटेल, रेखा राणी, पल्लवी सिंह, आरती राठौड़, राहुल चौहान, अनुज कुमार, ज्योति शर्मा, सुधीर कुमार, और कोई? नेक्स्ट, फटाफट जल्दी। योग्यता अनुसार काम व आवश्यकता अनुसार वेतन, यह अवधारणा दोस्तों कार्ल मार्क्स की रही है। कार्ल मार्क्स की अवधारणा है कि योग्यता अनुसार काम मिले और आवश्यकता अनुसार सबको वेतन मिले। जिस व्यक्ति की योग्यता है उसको वही काम दो और आवश्यकता जो है उसके अनुसार उसको वेतन मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, राजाज्ञा का पालन ही न्याय है, यह कथन किस विचारधारा से संबंधित है? राजाज्ञा का पालन ही न्याय है, यानी राजा की आज्ञा ही न्याय है। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट राजतंत्र में बड़े प्रभावशाली होते हैं। राजा के मुंह से निकला हुआ हर शब्द कानून है, राजा की आज्ञा ही न्याय है। तो ये चीजें है ना, ये चीजें राजतंत्र में काफी हैवी हुआ करती थी। तो राजाज्ञा का पालन ही न्याय है, यह कथन किस विचारधारा से संबंधित है? अंदाजा लगा सकते हो ना, अंदाजा क्यों कैसे लगाओगे आप लोग, क्योंकि ये विचारधारा किसकी तरफ बढ़ रही है? राजा का पालन ही न्याय होगा तो ये राजतंत्र में होगा, एक राजा का राज होगा, और राजा का राज होगा तो क्या होगा? अधिनायकवाद होगा, तानाशाही होगी, अधिनायकवादिता होगी, तो अधिनायकवाद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, किसने न्याय का आधार प्रकृति को माना है? कौन व्यक्ति था जिसने न्याय का आधार प्रकृति को माना है? किसने न्याय का आधार प्रकृति को माना है? आंसर होगा सिसरो। सिसरो ने न्याय का आधार प्रकृति को माना है। क्वेश्चन नंबर है 11, न्याय की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? न्याय जो शब्द है, न्याय की जो उत्पत्ति है वो किस भाषा के शब्द से हुई है? न्याय की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? आंसर आएगा लेटिन। क्वेश्चन नंबर है 12वां क्वेश्चन है, न्याय की व्यावहारिक अवधारणा होती है, मूलतः न्याय की व्यावहारिक अवधारणा जो है वो होती है कैसी? गुप्त होती है, अस्पष्ट होती है, लचीली होती है? आंसर आएगा उपयुक्त सभी। न्याय की व्यावहारिक अवधारणा उपयुक्त सभी होगी, गुप्त, अस्पष्ट और लचीली होगी। क्वेश्चन नंबर है 13, न्याय के वैधानिक सिद्धांत का समर्थन किसने किया? न्याय के जो वैधानिक सिद्धांत है उसका समर्थन किसने किया है? यह क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन पहले हम लीगल बेस्ड लेकर चले थे, अब हम इसका वैधानिक सिद्धांत की तरफ इसको लेकर चलेंगे। तो न्याय के वैधानिक सिद्धांत का समर्थन अरस्तु के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 14, सामाजिक न्याय का प्रमुख तत्व क्या है? सामाजिक न्याय का प्रमुख तत्व बताइए, सामाजिक न्याय का प्रमुख तत्व क्या है? सामाजिक, देखो सामाजिक और आर्थिक दोनों न्याय की अगर बात करें ना हम लोग, तो न्याय के सामाजिक और आर्थिक दोनों ही आधारों की चर्चा कई सारे लोगों ने करी है। एक नाम आता हाब हाउस, एक आता बर्कर, एक आता मैकीवर, एक आता लास्की। चार नाम याद रखना, हाब हाउस, बर्कर, मैकीवर और लास्की। ये ऐसे सुधारवादी लेखक हैं जिन्होंने इन चीजों पर डिस्कस काफी हद तक किया है, और इसके अलावा कार्ल मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन, इन्होंने भी इस पर बात करी है। और समाज के अंदर पद और धन के आधार पर जो असमानताएं हैं उन्हें कम करने के लिए नए कानून बनाए जाने पर बात हुई है। तो समाज का, सामाजिक न्याय का जो प्रमुख तत्व है वो क्या होना चाहिए? सामाजिक न्याय का जो पहला तत्व क्या होना चाहिए? सबको बराबर के अवसर मिले, इक्वलिटी ऑफ चांस हो। जैसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जब शुरू होते हैं तो मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार पहला है, और उसमें आप लोगों ने देखा है कि उसमें अवसर की समानता, जो संशोधन भारतीय संविधान का आर्टिकल 16 में कहा गया है कि अवसर की समानता सबको, इक्वलिटी ऑफ चांस हो, सबको बराबर के मौके मिले,
गरीब को, अमीर को, बच्चे को, बड़े को, महिला को, पुरुष को, सबको बराबर के अवसर मिलने चाहिए ताकि वो अपने कैपेसिटी और अपनी इंटेलिजेंसी को दिखा पाए। क्वेश्चन नंबर है 13वां। क्वेश्चन नंबर 13वां, सामाजिक न्याय से पृथक व उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा न्याय है? सामाजिक न्याय से पृथक लेकिन उससे महत्वपूर्ण कौन सा न्याय है? सामाजिक न्याय से पृथक और उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा न्याय है? बताओ जल्दी। सामाजिक न्याय से अलग लेकिन उससे महत्वपूर्ण कौन सा न्याय है? ए बी सी डी। 15वें क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी। सामाजिक न्याय से पृथक लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा न्याय है? सारे बच्चे गलत करोगे क्या? 15वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी। 15वें क्वेश्चन का आंसर, आरती, राहुल, सुधीर, सावित्री, ज्योति, कृष्णा, रेखा, मिलन। भाई सामाजिक न्याय से अलग लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है? आर्थिक न्याय है ना। सामाजिक न्याय का फायदा तभी होगा जब आर्थिक न्याय मिलेगा। अगर आर्थिक न्याय नहीं मिलता है तो सामाजिक न्याय का भी कोई ज्यादा औचित्य नहीं रहता है। तो आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अब देखिए, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए एक क्वेश्चन को। अगर इस क्वेश्चन की जगह सामाजिक न्याय की जगह अगर आर्थिक न्याय लिखा होता तो फिर इसका दूसरा पहलू क्या हो जाता? सामाजिक न्याय हो जाता। तो सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय भी महत्वपूर्ण है। अब दूसरी बात, ये देखो, ये दो ऐसे पहलू हैं जिसको हम लोग नॉर्मली अगर विचारधारा में हम लिखते हैं ना, तो हम क्या कहते हैं? हमें सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस चाहिए, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस चाहिए। क्योंकि सामाजिक और आर्थिक न्याय ये इंपोर्टेंस के साथ साथ ये बेस है, ये न्याय का आधार है। लेकिन राजनीतिक न्याय जो है वो वक्त की डिमांड है, हो जाए तो भी ठीक है, अगर ना हो तो भी। क्योंकि सामाजिक और आर्थिक न्याय के बिना व्यक्ति का गुजारा नहीं होगा। व्यक्ति के बेस को उठाने के लिए या एक व्यक्ति के जीवन को आधार देने के लिए हमें सामाजिक और आर्थिक न्याय चाहिए। अगर राजनीतिक न्याय एक हद तक नहीं भी मिलता है तो हम सत्ता में नहीं आ पाएंगे। बस इससे बड़ा हमारा गुजारे पे कोई असर नहीं पड़ेगा। कानूनी न्याय तब होगा जब अन्याय की बात आती, तब हम न्याय की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन सामाजिक और आर्थिक न्याय एक प्रकार से सारी चीजों में बराबर के बंटवारे की भागीदारी देता है। बराबर का बंटवारा सब में होगा, वो आर्थिक रूप पे भी और सामाजिक रूप पे भी। तो क्वेश्चन आपका आंसर ए था। क्वेश्चन नंबर 16, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख ही न्याय है। यह कथन, ये तो स्टेटमेंट सबसे फेमस है ही, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख ही न्याय है। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख ही न्याय है। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख ही न्याय है। आपका आंसर ए रहेगा, बेंथम इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 16 के बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये थोड़ा सा मुझे लगता है ठीक से स्कैन नहीं हो पाया था, मैं देखता हूँ अगर बात बन जाती है तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे इसको। हाँ, हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं, कोई बात नहीं, दो चार क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर है, उम्मीद है ये दिख जाएगा आप सबको, ज़्यादा बड़ा करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। क्वेश्चन है हमारा, मैं एक बार देख लेता हूँ, 21वां, जाति के आधार पर विभेद किया जाना किस न्याय अवधारणा का उल्लंघन है? जाति के आधार पर विभेद किया जाना किस न्याय अवधारणा का उल्लंघन है? सामाजिक न्याय का। क्वेश्चन नंबर 22वां, किसने सार्वजनिक उपयोगिता को न्याय की उत्पत्ति का एकमात्र स्रोत माना है? किसने सार्वजनिक उपयोगिता को न्याय की उत्पत्ति का एकमात्र स्रोत माना है? किसने माना है? ह्यूम के द्वारा माना गया है। क्वेश्चन नंबर है 23वां, किसने सर्वप्रथम कानून के शासन से व्यक्तियों के शासन को श्रेष्ठ बताया? कौन था जिसने सबसे पहले कहा कि कानून के शासन से ज्यादा श्रेष्ठ है व्यक्तियों का शासन? ये कहने वाला कौन था? अरस्तु, अरिस्टोटल था। क्वेश्चन नंबर 24वां, किस पुस्तक को कंसर्निंग जस्टिस की संज्ञा दी गई है? बताइए जल्दी फटाफट, कौन सी पुस्तक है वे जिसको कंसर्निंग
कंसर्निंग जस्टिस कहा गया है? कौन सी पुस्तक को कंसर्निंग जस्टिस कहा गया है? कौन सी पुस्तक को कंसर्निंग जस्टिस कहा गया है? आंसर पॉलिटिक्स, लाज, रिपब्लिक या फिर किसी को नहीं? आंसर आएगा आपका रिपब्लिक। रिपब्लिक, प्लेटो की जो रिपब्लिक है उसमें न्याय की नैतिक संकल्पना का वर्णन है। उसके अनुसार न्याय का उद्देश्य सामाजिक सहयोग और सामंजस्य होता है। प्लेटो ने मनुष्यों को तीन भागों में बांटा है। ये क्वेश्चन भी याद रखना आप लोग, ध्यान से सुनिएगा, मैं नोट डाउन मैं बोल रहा हूं, अगर कॉपी पेन है आपके पास तो नोट डाउन कर लेना इस चीज को। प्लेटो ने व्यक्तियों को यानी मनुष्यों को तीन भागों में बांटा है, विवेकशील, साहसी और इंद्रिय सुखापक्षी। विवेकशील नंबर एक पर, विवेकशील नंबर दो, साहसी और नंबर तीन इंद्रिय सुखापक्षी। यानी विवेकशील जिनमें विवेक होता है बहुत ज्यादा, साहसी जो बहुत ज्यादा निडर होते हैं, और इंद्रिय सुखापक्षी जो इंद्रियों के सुख के पक्ष में ज्यादा होते हैं। अगर हम राज्य में न्याय की स्थापना करना चाहते हैं तो विवेकशील नागरिकों को शासन का काम देंगे। विवेकशील शासन का काम अरस्तु के, प्लेटो के अनुसार, प्लेटो के अनुसार शासन का काम किसको देंगे? विवेकशील लोगों को। और जो साहसी लोग हैं उनको हम किसका काम देंगे? युद्ध का काम देंगे। किसका काम? युद्ध का काम। और जो इंद्रिय सुखापेक्षी हैं उनको उत्पादन और व्यापार का काम दे देंगे। याद रखना काफी इंपॉर्टेंट चीज है। प्लेटो ने रिपब्लिक में नैतिक न्याय की संकल्पना करी है, लोगों को तीन भागों में बांट दिया, विवेकशील, साहसी और इंद्रिय सुखापक्षी। विवेकशील लोग शासन करेंगे, साहसी लोग युद्ध के कामों को देखेंगे, सुरक्षा के मामले को देखेंगे, और जो इंद्रिया सुखापेक्षी है जो अपने सुख सुविधाओं पर लग्जरियस लाइफ जीने के आदी हैं वो व्यापार करेंगे, उत्पादन करेंगे और उन चीजों का ऊपर उनकी जिम्मेदारी होगी। क्षत्रियां जो महिलाएं हैं वो भी अपने गुणों के अनुसार शासन और योद्धा बन सकती हैं। और आदर्शवादी लेखक किसी न किसी रूप में न्याय की इस नैतिक संकल्पना से प्रभावित होते रहे हैं। ऐसा नहीं कि प्लेटो कह गए और निकल गए, प्लेटो के बाद के लोगों ने भी इस चीज को माना है। चाहे वो ब्रेडले जैसे लोग हों, उन्होंने भी इस चीज को काफी हद तक फॉलो किया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, हम ध्यान रखना ये तीन चार जो पॉइंट मैंने नोट डाउन किए इनको नोट डाउन करके एक बार रिवाइज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 25, सर्वप्रथम किसने आध्यात्मिक न्याय व मानवीय न्याय में स्पष्ट विभेद किया? सबसे पहले कौन व्यक्ति था जिसने आध्यात्मिक न्याय और मानवीय न्याय में विभेद किया है? सुकरात, प्लेटो, लॉक या एक्विनास? किसने किया है? तो आंसर होगा एक्विनास। क्वेश्चन नंबर है आपका 26वां। 26वां क्वेश्चन है दी क्वेस्ट ऑफ जस्टिस। द क्वेस्ट ऑफ जस्टिस किसकी रचना है? द क्वेस्ट ऑफ जस्टिस किसकी रचना है? द क्वेस्ट ऑफ जस्टिस पाटर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। किसने न्याय को मानव कल्याण से संबंधित नैतिक नियम कहा है? यह कहने वाला मील था। 28, प्राचीन दार्शनिक न्याय को पर्याय समझते थे। किस चीज का पर्याय समझते थे? सदाचार का। क्वेश्चन नंबर 29, न्याय की सामान्य अवधारणा ने सर्जना की। किस चीज की? न्यायपूर्ण कानून और तात्विक न्याय दोनों की, उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 30वां, न्याय है, न्याय क्या है ये बताइए आप लोग जल्दी, न्याय क्या है? क्वेश्चन नंबर 30वां, न्याय क्या है? न्याय एक सामान्य गुण है, न्याय एक सक्रिय प्रक्रिया है या न्याय एक तत्व केंद्रित व्यवस्था है? तो आपका आंसर होगा न्याय उपर्युक्त सभी है। क्वेश्चन नंबर 31वां, प्रक्रियात्मक न्याय को कहते हैं, प्रक्रियात्मक न्याय को कहते हैं क्या कहते हैं? कानून की उचित प्रक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32वां, कौन न्याय को एक बुजुर्वा अवधारणा मानता है? कुछ लोग ऐसे हैं जो न्याय को एक बुजुर्वा अवधारणा, ओल्ड एज कंसेप्ट मानते हैं। कौन है जो ओल्ड एज मानते हैं अवधारणा के रूप में इसको? तो कौन लोग हैं वो? आदर्शवादी, साम्यवादी, समाजवादी या फिर उपयोगितावादी? साम्यवादी लोग। साम्यवादी लोग न्याय को एक बुजुर्वा अवधारणा मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, आर्थिक न्याय संपूर्ण न्याय की जड़ है, यह किस विचारधारा से संबंध रखता है? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर दो फटाफट, आर्थिक न्याय संपूर्ण न्याय की जड़ है।
आर्थिक न्याय संपूर्ण न्याय की जड़ है। मैं सभी बच्चों के क्वेश्चन का आंसर वेट कर रहा हूं और सबके आंसर मैं पढ़ूंगा भी। फटाफट जल्दी 33वें क्वेश्चन पे आ जाओ। आर्थिक न्याय संपूर्ण न्याय की जड़ है, यह कथन या यह स्टेटमेंट किस विचारधारा से संबंधित है? आर्थिक न्याय संपूर्ण न्याय की जड़ है। ए बी सी डी। पल्लवी राहुल, ज्योति आरती, पल्लवी आदर्श, राहुल ज्योति शर्मा, राजेंद्र सिंह, सावित्री पाल, मिलन यादव, रेखा राणी। नेक्स्ट फटाफट। जल्दी बताइए फटाफट। बस क्या हो चुका। आर्थिक न्याय संपूर्ण न्याय की जड़ है, यह कथन किससे संबंधित है? समाजवाद से। आर्थिक न्याय संपूर्ण न्याय की जड़ है, यह समाजवादी विचारधारा से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 34। मार्क्सवादियों की न्याय विषयक अवधारणा है, मार्क्सवादियों की न्याय विषयक अवधारणा कौन सी है? आंसर होगा कैसी है? सकारात्मक है। मार्क्सवादी न्याय को किस तरीके के मानते हैं? सकारात्मक मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। राजनीतिक विचारों के इतिहास में न्याय का अध्ययन आरंभ होता है कहां से? राजनीतिक विचारों के इतिहास में न्याय का अध्ययन आरंभ होता है किससे? प्लेटो से। क्वेश्चन नंबर 36वां। प्लेटो की प्रसिद्ध कृति रिपब्लिक में न्याय की कौन सी संकल्पना है? प्लेटो की प्रसिद्ध जो पुस्तक है रिपब्लिक, जिसको हम लोग न्याय के मामले में सबसे पहली और बेस्ट बुक मानते हैं, प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक रचना रिपब्लिक में न्याय की कौन सी संकल्पना है? कैसे न्याय की बात करता है प्लेटो जो है अपनी पुस्तक रिपब्लिक में? कैसे न्याय की बात करता है? वैधानिक न्याय, दार्शनिक न्याय, राजनीतिक न्याय या नैतिक न्याय? फटाफट जल्दी। वेरी गुड राजेंद्र सिंह, अजीत कुमार गुड, बाकी मिलन, भीम सिंह, ज्योति बैड 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 बैड। गलत आंसर होगा भाई, ए वालों का तो बिल्कुल ही गलत है। ए बी दोनों गलत हो गए भाई, सी भी गलत हो गया, तो डी आंसर होगा भाई। प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक में न्याय की नैतिक संकल्पना का वर्णन किया गया है, नैतिक आधार जो है वो न्याय का इन लोगों ने इसमें बनाया है। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन अगला, क्योंकि तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37वां। क्वेश्चन नंबर 37वां। तात्विक न्याय का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? तात्विक न्याय का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? तात्विक न्याय का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? अरस्तु, अरिस्टोटल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38वां। किसने न्याय को सामान्य विश्वव्यापी कानून के रूप में स्वीकार किया? कौन था वे किसने न्याय को सामान्य विश्वव्यापी कानून के रूप में स्वीकार किया? किसने किसने न्याय को सामान्य विश्वव्यापी कानून के रूप में स्वीकार किया? आंसर होगा स्टोइक विचारक। आंसर है स्टोइक विचारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज और है, एक क्वेश्चन और पूछना आप लोगों से। इस क्वेश्चन क्या राय लेनी है आपसे, एक सलाह लेनी है कि अगर हम करंट अफेयर की टेस्ट को जैसे डेली करंट अफेयर हम करें लाइव, तो कौन सा टाइम आपके हिसाब से बेस्ट रहेगा? जैसे हम पॉलिटी का टेस्ट डेली करते हैं शाम को, तो इवनिंग के लिए कौन सा समय ठीक रहेगा हम सबके लिए, जिसमें हम लोग करंट अफेयर को डिस्कस कर लें? हर रोज की मेन मेन करंट अफेयर और उसमें कुछ बर्निंग इश्यूज अगर हम डिस्कस करें, तो कौन सा समय हमारे लिए सही रहेगा? आप लोग अपने हिसाब से एक बार समय का अंदाजा जल्दी कमेंट कर दीजिए। शाम का समय हो, सुबह का ना हो, फटाफट जल्दी कौन सा समय बेस्ट हो सकता है?
करंट अफेयर, अगर हम डेली करंट अफेयर शुरू करते हैं लाइव के लिए, तो कौन सा समय आपके लिए सही शूट कर सकता है शाम का? क्या बात है, चार आंसर आ गए, चारों अलग अलग। एक ने 5 बोला, एक ने 6 बोला, एक ने 7 बोला, एक ने 8 बोला। क्या दोस्ती तुम लोगों की। अब फिर 8, 9, 9, यार 9 नहीं हो सकता ना, 9:30 बजे तो हम टेस्ट ही करते हैं, तो कई बार करंट अफेयर लंबी खिंच जाती है ना, तो 9 का थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये इतना दिमाग किसने लगा दिया 39वें क्वेश्चन पे, समिता यादव। पहले आंसर दिया और वो भी गलत, टाइम से पहले आंसर दे दिया और वो भी गलत दे दिया है। 5 या 6 या 7 या 9, कोई भी। चलो ठीक है, डिस्कस करते हैं भाई, हम कल वाली क्लास में बता देंगे आपको किस समय हम करंट अफेयर शुरू कर रहे हैं, जल्दी हम करंट अफेयर शुरू करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, आपके सुझाव आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 39वां, 17वीं सदी में प्राकृतिक विधि के समर्थकों ने न्याय का संबंध माना है। 17वीं सदी में प्राकृतिक विधि के समर्थकों ने न्याय को संबंध माना है। न्याय को संबंध किससे माना है? विवेक से संबंध माना है। क्वेश्चन नंबर 40वां, प्राकृतिक न्याय की अवधारणा से कौन सहमत है? प्राकृतिक न्याय की अवधारणा से इनमें से कौन सहमत है? हाब्स सहमत था, कांट सहमत था, तो फिर तीसरा भी हो जाएगा अपने आप ही, तो आंसर क्या आएगा? डी। क्वेश्चन नंबर है 41वां, प्रारंभ में कानून व परंपराओं का स्रोत था। प्रारंभ में कानून व परंपराओं का स्रोत था क्या? प्रारंभ में कानून व परंपराओं का स्रोत क्या था? प्रारंभ में कानून व परंपराओं का स्रोत क्या था? धर्म बिल्कुल था, ईश्वर बिल्कुल था, राजा बिल्कुल था। क्यों? क्योंकि पहले जो परंपराएं और कानून थे वो इन सभी के इर्द गिर्द घूमते थे, तो आपका आंसर यहां पर डी आ जाएगा। आप चलते हैं हम लोग 42वें क्वेश्चन पर, 42। राजसत्ता की इच्छा को किसने न्याय का आधार माना है? राजसत्ता की इच्छा को, 7 से 9 का टाइम किचन में देना पड़ता है। आरती राठौड़ बेटा, किचन में तो सभी को देना पड़ता है, मुझे भी देना पड़ता है, बट क्या करें, स्टडी भी तो जरूरी ना आप लोगों की। करेंगे एडजस्टमेंट, कोई बात नहीं, टाइमिंग को हम शाम को, क्योंकि लेट भी कर सकते हैं, बट देखते हैं, चलो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर, राजसत्ता की इच्छा को किसने न्याय का आधार माना है? राजसत्ता की इच्छा को न्याय का आधार किसने माना है? हाब्स, पुफेंडार्फ दोनों, या फिर रस्किन? तो आपका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43। 43, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से न्याय की अवधारणा पर विचार किया है। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से न्याय की अवधारणा पर विचार किसने किया है? ग्रोसस ने, लाइविज ने, वुल्फ ने? तो आपका आंसर रहेगा सभी डी। क्वेश्चन नंबर 44, न्याय के प्रक्रियात्मक पक्ष पर किसने जोर दिया है? जोर नहीं, इसमें जोर आएगा, लिखा हुआ यहां, न्याय की प्रक्रियात्मक पक्ष पर किसने जोर दिया है? किसने दिया जोर? आंसर आएगा बेंथम। क्वेश्चन नंबर है आपका 45। 45वां क्वेश्चन, न्याय संबंधित है। न्याय संबंधित है किससे? औचित्य से, मूल्यों से, आदर्शों से, या उपर्युक्त सभी से? न्याय संबंधित है किससे? न्याय संबंधित है किससे संबंधित है? औचित्य से, मूल्यों से, आदर्शों से, या सभी से? 45वें क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट। 45वें क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग, न्याय संबंधित है औचित्य से, मूल्य से, मूल्यों से, आदर्शों से। आंसर होगा सभी से, डी आंसर। क्वेश्चन नंबर है आपका 46वां, प्रक्रियात्मक न्याय की अवधारणा जो कि मुख्यतः उदारवाद से संबंध है, समर्थकों का नाम बताएं। प्रक्रियात्मक न्याय के जो अवधारणा है जो मुख्यतः उदारवाद से संबंधित है, उसके समर्थकों में से प्रमुख कौन रहे हैं? हेयक, मिल्टन, नाजिक? तो आपका आंसर यहां पर सभी रह जाएगा, ऑल ऑफ द अबो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी चीज आपको एक बार समझनी थी, और इसके अलावा
बाकी भी कुछ चीजें थी जो मैं चाह रहा था आपके साथ आज के टेस्ट के अकॉर्डिंग डिस्कस किया जाए। हाँ, इसमें तो लगभग खत्म हो चुके हैं। मैं एक बार पावर पॉइंट को ओपन करके वहाँ पर आपके साथ कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लंबे समय से टेस्ट का वेट करते हैं और बीच बीच में गैप भी हो जाते हैं, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन ज़्यादा और डिस्कस करें। हाँ, यस राइट, थोड़ा सा वेट करें आप लोग 1-2 मिनट के लिए, क्योंकि हाँ, क्वेश्चन है जॉन रॉयल्स जॉन रॉयल्स के, हाँ कल एक नहीं हो पाया था, लिबर्टी वाला नहीं हो पाया था ना। हाँ, लिबर्टी वाला नहीं हो पाया था, वो मैं एक बार पूरा कर देता हूँ, बट यार वो मुझे ढूंढना पड़ेगा ना, काफी टाइम लग जाता। मैं एक बार देखता हूँ, 2 सेकंड के लिए वेट कीजिए आप। हाँ, कल लिबर्टी वाला हमारा नहीं हो पाया था, वो मैं एक बार पूरा कर देता हूँ, अगर मुझे मिला तो। मिलने के चांसेस कम ही होते मुझे। 1 सेकेंड, हाँ स्वतंत्रता वाला था क्या? एक बार बताएंगे आप लोग, स्वतंत्रता वाला था या कोई और था? यही था क्या? देखना एक बार आप लोग, स्वतंत्रता वाला था। हाँ यही था शायद, आप एक बार मुझे देख के बताइए कहां तक पहुंच चुके थे हम। कल वाला, हाँ कल वाला डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। एक बार मुझे देख के बता दीजिए आप लोग कहाँ तक हम पहुँच चुके थे। मुझे ध्यान नहीं है यार, क्योंकि कई सारे टेस्ट होते हैं दिन में, ऑफलाइन ऑनलाइन, बट मैं कोशिश करूँगा कि कल वाले को एक बार डिस्कस कर दिया जाए। हाँ लिबर्टी वाला ही था और वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बट मैं क्वेश्चन पे श्योर नहीं हूँ कि कहाँ तक पहुँचे थे। चलो देख लेते हैं एक बार, दोबारा हो जाएगा ना, 2-4 क्वेश्चन दोबारा डिस्कस हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं फिर हम। हाँ कल वाले में कुछ क्वेश्चन थे जो हम डिस्कस कर लेते हैं। हम शुरू करते हैं 18वें क्वेश्चन से, आप लोग अपने हिसाब से देखते चलिए, मैं फिर आपको डिस्कस करवा दूंगा। यस लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 18 से शुरू कर देते हैं, जो भी होगा आप लोग देख लेना, अगर बचा हुआ होगा या पहले नहीं होगा तो उसको भी हम सोच लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, अगर पहले हो चुका है तो आगे बढ़ जाना फटाफट। 45 पे कहाँ पहुंच गए थे? अच्छा क्वेश्चन नंबर 32 पर थे क्या? क्वेश्चन नंबर 32, कोई बात नहीं, 32 पे आ जाते हैं। 28 से शुरू कर देता हूँ मैं, देख लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 28, उदारवादी स्वतंत्रता के किस पक्ष पर अधिक बल देते हैं? अब आप आंसर दो फटाफट जल्दी, अगर ये हो चुका है तो। उदारवादी स्वतंत्रता के किस पक्ष पर अधिक बल देते हैं? उदारवादी स्वतंत्रता के किस पक्ष पर अधिक बल देते हैं? उदारवादी स्वतंत्रता के किस पक्ष पर सबसे ज्यादा बल देते हैं? 28वां क्वेश्चन, उदारवादी स्वतंत्रता के किस पक्ष पर अधिक बल देते हैं? तो फिर कहां हुआ आंसर? तो आप दे ही नहीं पा रहे ना, हुआ कहां था ये? अगर आप आंसर दे ही नहीं पा रहे तो इसका मतलब हुआ ही नहीं था फिर। ये देखो बी डी सी, उदारवाद की बात कर रहा हूं मैं, मार्क्सवाद की बात नहीं कर रहा हूं। ये जो आर्थिक आर्थिक आंसर देना ना, मार्क्सवाद की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29वां, व्यक्तिगत स्वतंत्रता व सामाजिक हित में समन्वय किसने किया? व्यक्तिगत स्वतंत्रता व सामाजिक हित में किसने समन्वय स्थापित किया? व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक हित में समन्वय किसने स्थापित किया था? लास्की के द्वारा किया था।
क्वेश्चन नंबर 30वां, मार्क्सवादी किस प्रकार की स्वतंत्रता के पक्षधर हैं? मार्क्सवादी किस प्रकार की स्वतंत्रता के पक्षधर हैं? मार्क्सवादी किस प्रकार की स्वतंत्रता के पक्षधर हैं? आंसर बताओ फटाफट। मार्क्सवादी किस प्रकार की स्वतंत्रता के पक्षधर हैं? मार्क्सवादी किस प्रकार की स्वतंत्रता के पक्षधर हैं? आर्थिक। क्वेश्चन नंबर 31वां, कानून को स्वतंत्रता की सबसे बड़ी शर्त किसने स्वीकार किया? कानून को स्वतंत्रता की सबसे बड़ी शर्त किसने स्वीकार किया? कानून को स्वतंत्रता की सबसे बड़ी शर्त किसने स्वीकार किया? कानून को स्वतंत्रता की सबसे बड़ी शर्त गिलक्राइस्ट ने स्वीकार किया। क्वेश्चन नंबर 32वां, स्वतंत्रता के कानूनी पक्ष का समर्थक कौन है? स्वतंत्रता के कानूनी पक्ष का समर्थक कौन है? स्वतंत्रता के कानूनी पक्ष का समर्थक मॉन्टेस्क्यू को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33वां, कौन राजनीतिक स्वतंत्रता को वैधानिक स्वतंत्रता करार देता है? कौन व्यक्ति है जो राजनीतिक स्वतंत्रता को वैधानिक स्वतंत्रता का नाम दे देता है? लाक, सिले, लास्की या फिर लिकोक? आंसर होगा लिकोक। क्वेश्चन नंबर 34वां, निम्न में कौन राजनीतिक स्वतंत्रता का समर्थक है? राजनीतिक स्वतंत्रता का समर्थक कौन है? लाक भी है, रूसो भी है, वाल्टेर भी है। आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबो। क्वेश्चन नंबर 35वां, राष्ट्रीय स्वतंत्रता का क्या तात्पर्य है? बताओ जल्दी, राष्ट्रीय स्वतंत्रता क्या होती है? राष्ट्रीय स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मतलब क्या है? अपने आप से सोचिए, राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मतलब क्या है? राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मतलब स्वराज है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मतलब स्वराज है। आधुनिक युग से पहले लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का कोई स्पष्ट रूप नहीं होता था, लेकिन फिर भी कबीलों में, जातियों में और समूहों की रक्षा के लिए ये भावना समय समय पर पैदा होती रहती थी। मध्य युग में राष्ट्रीयता की भावना सामंतवादी संघर्षों के कारण पैदा नहीं हो पाई, लेकिन राष्ट्रीयता उस समय भी बार बार दिखती रहती थी। जब से लोकतंत्र का विकास हुआ है, तब से राष्ट्रीयता का भी विकास हो गया है, और राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग के साथ साथ राष्ट्रीय स्वतंत्रता की मांग भी उठी है। चाहे वो थर्ड वर्ल्ड वार के कंट्रियों के आजादी होने की मांग हो, चाहे उसके बाद अलग अलग देशों के अपने पूर्ण अधिकार प्राप्त करने की मांग ने औपनिवेशिकता के बंधनों को तोड़ा है, और राष्ट्रीयता एक नए सिरे से 19वीं और 20वीं सदी में उभर कर आई है। क्वेश्चन नंबर 36वां, जहां कोई कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती, यह कथन किसका है? क्योंकि स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए क्या चाहिए? कानून चाहिए। अगर मैं किसी मामले में स्वतंत्र हूं और कानून है ही नहीं, तो फिर कोई व्यक्ति मेरी स्वतंत्रता को 1 मिनट में छीन लेगा ना। यानी जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती, या फिर ये कहें कि स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कानून अति आवश्यक है, यह कथन किसका है? जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह कथन किसका है? यह कथन लॉक का है। क्वेश्चन नंबर है, आप लेट अस गाइड किड्स, आप बच्चा किड्स को गाइड कर लीजिए, हम थोड़ा टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 37वां, निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रबल पक्षधर है? निम्न में से कौन सकारात्मक स्वतंत्रता का पक्षधर है? कौन सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रबल पक्षधर है? कौन है सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रबल पक्षधर? आंसर होगा ग्रीन। क्वेश्चन नंबर है आपका 28वां, 38 सॉरी 38वां, 38वें क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। 38वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 38वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसने स्वतंत्रता और समानता दोनों को परस्पर पूरक माना है? किसने स्वतंत्रता और समानता दोनों को परस्पर पूरक माना है? किसने स्वतंत्रता और समानता दोनों को पूरक माना है? स्वतंत्रता और समानता को पूरक मानने वाला कौन है? मैकाइवर है। क्वेश्चन नंबर 39वां, स्वतंत्रता नैतिक नियमों के पालन में है। स्वतंत्रता जो है वो नैतिक नियमों के पालन में है, यह कथन किसका है? स्वतंत्रता नैतिक नियमों के पालन में है, यह स्पिनोजा ने कहा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। निम्न विचारकों में से किसके साथ राष्ट्रीय स्वतंत्रता की अवधारणा संबंध है? निम्न विचारकों में से किसके साथ राष्ट्रीय स्वतंत्रता की अवधारणा संबंध है? किसके साथ संबंध है? आंसर होगा हिगल के साथ। क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से कौन सा तत्व स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए आवश्यक है? कौन सा तत्व है जो स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए आवश्यक है? सेना, न्यायपालिका, संसद या नागरिकों की जागरूकता? कौन सा तत्व है जो स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए आवश्यक है? तो आपका आंसर होगा न्यायपालिका। न्यायपालिका क्यों होगा? न्यायपालिका क्यों होगा? क्योंकि स्वतंत्रता तभी तक है जब तक कानून है, न्याय है। जब तक कानून नहीं होगा न्याय नहीं होगा, और न्याय नहीं होगा तो स्वतंत्रता कहां से रहेगी। क्वेश्चन नंबर है आपका 42। समानता के उत्साह ने स्वतंत्रता की आशा को निरर्थक कर दिया। समानता के उत्साह ने स्वतंत्रता की आशा को निरर्थक कर दिया। बताओ किसका स्टेटमेंट है? स्वतंत्रता के उत्साह ने स्वतंत्रता की समानता के उत्साह ने स्वतंत्रता की आशा को निरर्थक कर दिया। लॉर्ड एक्टन का कहा गया कथन है। क्वेश्चन नंबर 43। राजनीतिक स्वतंत्रता जनतंत्र का दूसरा नाम है। राजनीतिक स्वतंत्रता जनतंत्र का दूसरा नाम है, यह कहने वाला कौन था? गिलक्राइस्ट था। क्वेश्चन नंबर है 44। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ बताएं। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ बताएं। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है बंधनों का अभाव। बंधनों का अभाव नकारात्मक स्वतंत्रता है। जब कोई बंधन नहीं होगा तो फिर वो स्वतंत्रता नकारात्मक हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी, हानिकारक होगी, डेंजरस होगी ऐसी स्वतंत्रता जिसमें कोई बंधन ही ना हो। क्वेश्चन नंबर 45। ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया उसी ने स्वतंत्रता भी प्रदान की, यह विचार किसका है? जिसने हमें जन्म दिया उसी ने स्वतंत्रता भी प्रदान की, यह स्टेटमेंट है जेफरसन का। क्वेश्चन नंबर 46। ओन लिबर्टी किसकी रचना है? फटाफट आंसर दीजिए। ओन लिबर्टी किसकी रचना है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ओन लिबर्टी किसकी पुस्तक है? ओन लिबर्टी किसकी रचना है? ओन लिबर्टी किसकी रचना है? 46। सुशीला कादियान, अजीत कुमार। यार ये बिंजाराम के सारे कमेंट हाइड क्यों हो रहे हैं? एक सेकेंड। वेरी गुड, आंसर है सी। ऑन लिबर्टी किसकी रचना है? मेल की। क्वेश्चन नंबर है, हम लोग अब चलते हैं 47। जल्दी आंसर दीजिए। आधुनिक उदारवाद स्वतंत्रता की मांग करता है। किसकी स्वतंत्रता की? जो आधुनिक उदारवाद है वो किसकी स्वतंत्रता की मांग करता है? समूह के लिए स्वतंत्रता की मांग करता है आधुनिक उदारवाद। क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से किसे खोखली स्वतंत्रता का समर्थक माना जाता है? खोखली स्वतंत्रता का समर्थक किसको माना जाता है? खोखली स्वतंत्रता का समर्थक माना जाता है मील को। डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49। निम्न विचारकों में से किसने स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष को अपनाया? ग्रीन ने अपनाया था। चलो हम चलते हैं 50वें क्वेश्चन पर। आंसर देना आप लोग, सबका आंसर चाहिए मुझे इस क्वेश्चन के लिए। निम्न में से किसने प्राकृतिक स्वतंत्रता का मुख्य प्रतिपादक किया? कौन था जो प्राकृतिक स्वतंत्रता का मुख्य प्रतिपादक था? प्राकृतिक स्वतंत्रता का मुख्य प्रतिपादक कौन था?
प्राकृतिक स्वतंत्रता का मुख्य प्रतिपादक कौन था? हाब्स, रूसो, लास्की, बेंथम। जल्दी आंसर दो। प्राकृतिक स्वतंत्रता का मुख्य प्रतिपादक कौन था? यार बिंजाराम, जो बिंजाराम जो है ना, मैं आपके कमेंट को अप्रूव कर करके तंग आ चुका हूं भाई, क्योंकि आप जितने भी कमेंट कर रहे हैं ना, सारे हाइड जा रहे हैं। क्योंकि जो जो बच्चा एक बार जैसे बी आंसर देना है, जो बंदा 7-8 बार बी लिख देता है ना एक ही आंसर में, एक ही आंसर क्वेश्चन के आंसर में 7-8 बार बी लिखता है, तो उसका ऑटोमेटिकली हाइड हो रहा है। जैसे दया यादव का हाइड हो गया था, अब मैंने इसको ओपन किया है, फिर बिंजाराम का हाइड बार बार हो रहा है। तो या तो आप लोग कमेंट करें ही ना, और करें तो सिर्फ एक ही बार कमेंट करें एक क्वेश्चन का, तो ये हाइड नहीं होगा ऑटोमेटिकली। यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिसकी वजह से परेशानी होती है हम सबको। प्राकृतिक स्वतंत्रता का मुख्य प्रतिपादक कौन था? आंसर आएगा बी, रूसो। बी इज राइट आंसर। जितने बच्चों का बी आंसर है सबका राइट है। क्वेश्चन नंबर 51वां, आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक भ्रम है, यह कथन किसका है? देखो काफी काफी सॉलिड क्वेश्चन है भाई, बार बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में, आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक भ्रम है, यह कथन किसका है? यानी इसका कहने का मतलब यह है कि अगर आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है ना, तो फिर राजनीतिक स्वतंत्रता भी नहीं होनी चाहिए, या उसका कोई मतलब ही नहीं हो सकता। अगर आर्थिक स्वतंत्रता नहीं हुई तो राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई औचित्य ही नहीं, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, यह कथन किसका है? लास्की, कोल, ह्यूम या कांट? लास्की, कोल, ह्यूम या फिर कांट, आंसर बताइए फटाफट। ए, बी, सी, डी, जल्दी फटाफट। आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक भ्रम है, यह कथन किसका है? यह कथन लॉक का है। क्वेश्चन याद रखना, बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52वां, मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए विवश किया जा सकता है, मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए विवश किया जा सकता है, यह कथन किसका है? मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए विवश किया जा सकता है, यह कथन किसका है? व्यक्ति को या मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए विवश किया जा सकता है। 52वें क्वेश्चन का आंसर जल्दी। धर्मेंद्र, राजेंद्र, अब्दुल, अजीत, सोनम, विक्रांत, रेखा, सावित्री, मिलन, सोनिया, अजीत कुमार सिंह। दिनेश, गुड, गलत होगा दिनेश भाई, शाबाश, फटाफट जल्दी आंसर। ठीक है भाई, आंसर आ चुके हैं सबके। मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए विवश किया जा सकता है, कथन किसका है? रूसो का। नाम से अंदाजा लग रहा है ना आपको, रूसो ने क्या कहा था कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए विवश किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 53वां, किसने कहा था कि स्वतंत्रता का अर्थ सरकार का पूर्णतः न होना है? किसने कहा था कि स्वतंत्रता का अर्थ सरकार का पूर्णतः न होना है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? किसने कहा था स्वतंत्रता का अर्थ सरकार का पूर्णतः न होना है? स्वतंत्रता का अर्थ सरकार का पूर्णतः न होना है, यह कथन शीले का था। क्वेश्चन नंबर 54वां, किसने कहा था कि व्यक्ति के सब संबंधी कार्यों में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? देखिए भाई, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और यह स्टेटमेंट इस अवधारणा को मजबूत बनाता है। इसी अवधारणा को मजबूत बनाने वाला यही स्टेटमेंट रहा है। इस स्टेटमेंट में क्या है, व्यक्ति के सब संबंधी कार्यों में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यानी राज्य से बड़ा व्यक्ति को माना गया है। वो कहते हैं कि जब व्यक्ति के स्वयं से संबंधित कार्य हो, तो राज्य कौन होता है इंटरफेयर करने वाला, उसको इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को अपने स्व संबंधी कार्य खुद करने देने चाहिए, राज्य को इसमें बिल्कुल हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। ऐसा स्टेटमेंट किस व्यक्ति का रहा है? लॉक ने कहा, रूसो ने कहा, यानी राज्य को अलग कौन करता है, व्यक्ति को ज्यादा स्वतंत्रता कौन देता है?
मिल देता है, आंसर आपका सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55वां, ये किसका मानना है कि कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव को खराब कर दिया। देखिए भाई क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में क्या है कि कला और विज्ञान के विकास ने मनुष्य को खराब कर दिया है, यह कथन किसका है। कला और विज्ञान के विकास ने, जैसे जैसे आर्ट और साइंस का डेवलपमेंट हुआ है, मनुष्य खराब हो गया है, बेकार हो चुका है, यह कथन किसका है। यह कथन किसका है, कला और विज्ञान के विकास ने मनुष्य को खराब कर दिया है। और देखिए यह कथन कब का है, यह कथन तब का है जब वो व्यक्ति था। अगर इतने सालों बाद आज अगर यह व्यक्ति होता तो आज तो कला बहुत टॉप पर पहुंच चुकी है, विज्ञान भी बहुत हद तक काफी ऊपर जा चुका है, तो आज तो मनुष्य बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो चुका होता। सोचिए, कला और विज्ञान ने के विकास ने मानव को खराब कर दिया है, यह कथन किसका है। यह कथन रूसो का है। यह कथन किसका है, यह कथन रूसो का है। किसका कथन है, रूसो का। किसका कथन है, यह रूसो का। एट डबल फोर सेवन फोर वन जीरो वन जीरो एट ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है भाई। अपना नाम, अपने शहर का नाम और सब्जेक्ट लेकर व्हाट्सएप कर दीजिए। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो सबको डे टू डे क्लासेज की आती रहेगी। अगर आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है तो इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप पर बात करके फटाफट मंगवा लीजिए। आने वाले समय के अंदर हम लोगों को कोरोना से बचना है और घर बैठकर लंबे समय तक तैयारी करनी है, तो आप लोगों के पास सारे संसाधन होने चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही था। सब लोगों को गुड नाइट। गुड नाइट का मतलब ये नहीं है कि हमें सोना है, अभी हमने लंबे समय तक पढ़ना है। डबल दो डेढ़ दो दो ढाई बजे तक तो आप लोग स्टडी कर ही सकते हैं। तो कल फिर मिलेंगे। एक दो दिन में मैं कोशिश करता हूँ कि करंट अफेयर भी डेली की शुरू करूँ। पॉलिटिकल साइंस के टेस्ट, करंट अफेयर हम डेली शुरू कर रहे हैं। सोशल साइंस की क्लास सुबह पूजा मैम लाइव करवाती हैं, जिनके टेस्ट भी चल रहे हैं। उसके बाद हिंदी की क्लास आती है 12 बजे सुबह, 10 बजे सोशल साइंस, 12 बजे हिंदी की क्लास, शाम को 3 बजे इंग्लिश की क्लास रितु मैम लेती हैं, 5 बजे लूसेंट जी की आती है, शाम को 7-8 बजे हम करंट अफेयर शुरू करेंगे और 9:30 बजे पॉलिटिकल साइंस। सारी की सारी क्लासेज हम अब कंटिन्यू करने वाले हैं